नाश्ते कर लेती चाचे के हम चाली मार डाले नाश्ते मेरा चाचा मेरे जाने से चाचा मेरे जाली में तीन से आए हैं आइए उनसे बात करते हैं भाई बात सुनो यार गिरा यार ये देखिए हम तो किसी कुछ भी नहीं जानते ना जैसे ये शायद हमसे चिल्लाते हैं श्याम नदी कभी मंदिर नाजरीन हम आपके एक स्टूडेंट से बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम? सरफराज। सरफराज भाई आपका ट्रिप आया यहाँ पर किस शहर से? ये गुजरांवाला। गुजरांवाला से आपका ट्रिप आया? यार तू तो सारा खराब ही करता है। पूछना चाहते हैं कि ये जो कौमी सासे हैं इनको बचाना चाहिए कि नहीं? जी ये हमारे कायदे आजम ने ये बनवाया और ये इनकी हिफाजत करे और इधर ज्यादा दरख्त लगाए और शुक्रिया भाई बहुत बहुत बहुत। इतनी है कि इसमें यानी कि हमारे मम्मी सो गए। तो मैं लगता है वो काफी परेशान है, लगता है गार्जियन गाल दी गई है। आइए हम उनके आपसे बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौली साहब। आपका नाम? हसन माजिद। हसन माजिद भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं आप क्या कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर ये ऐसे बारहों आए हैं भैया? लाहौर के मखसूस एरिए सुल्तानपुरे से हम आए हैं। अच्छा मौली साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो से हमारे कौमी असासे हैं ये शाहजहां ने गालिबन बनवाया शालामार बाग, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हम इनकी हिफाजत करते हैं, ये हम कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं प्लीज? सबसे पहले तो नौजवान नस्ल को ये इन असासों के बारे में बताना चाहिए कि इनकी हिफाजत कैसे करनी है। और जी बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए मौली साहब, बताइए बताइए। और ये जो कूड़ा करके लोग ऐसे ही फेंक देते हैं इनके लिए मखसूस जगह होनी चाहिए जिनसे ये सारा एरिया साफ सुथरा नजर आए और प्यारा प्यारा लगे, और इनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। ये चांदे के सासे ही रह गए हैं जो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमें तारीख का हिस्सा तो बहुत खुशा जगह मनारे पाकिस्तान जहांगीर का मकबरा बादशाह मतलब बहुत खुशा थी पाकिस्तान में, लेकिन हमें इन इलाकों में पौधे वगैरह कुछ इनका काम गुम वगैरह करना पड़ता है, वो कैसे इनको हम कर सकते हैं? ये अक्सर टूरिस्ट आते हैं वो देखते हैं कि बच्चे पौधे तोड़ रहे हैं, कोई स्कूल से आया कोई घर से भागा हुआ है यहाँ पर आके कुछ कुछ तोड़ा कुछ तोड़ा, फिर उनके दिल में वो कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए गार्ड करनी चाहिए जो मदद दें। अच्छा तो थैंक यू मौली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जी मोहम्मद इरफान। कहाँ से हैं? रांची से आए हैं। तो आप ये कैसे कहेंगे लोगों को, ये जो कौमी असासे हैं हमारे मुगल बादशाह ने बनाए थे, ये जो लोग काफी बच्चे कूद दौड़ जाते हैं लोग गांड डालते हैं, इसकी कैसे हिफाजत कर सकते हैं? सफाई हो उनकी, इनको हम संभाल सकें ताकि हमारी आने वाली नस्लें इनको देखें और मुगल बादशाह के जो फने तो मेरे फोन से काफी इंजॉय करें। ये एक तो ये ना कि अवेयरनेस इस आवाम में पैदा की जाए कि जो है ना ये सफाई सफाई के हवाले से जो डस्टबिन वगैरह यहाँ रखी जाए ताकि जो ज्यादा लोग उसमें जो है ना कचरा इसमें डालें, और इसके अलावा जो है ये जो दीवारों पे लोग लिख देते हैं उनको मना किया जाए कि भाई इस तरह से आप लिख देते हैं तो उसकी हम मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है, और उसके बाद जो है उसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा करें इसकी।
और जो फूल पौधे हैं वो वहाँ पे जो है फैक्ट्री रुकी है, इस तरह के जो आते हैं वो लगाए जाए ताकि बच्चे जाए समझाया जाए स्कूल के अंदर लाने से पहले। आपके ख्याल में स्कूल के अंदर ये तलीम देनी चाहिए छोटे बच्चों के जो हमारे कौमी सासे हैं उनकी फालती का उनका नुकसान ना बनाएगा? हाँ होनी चाहिए बिल्कुल, इस तरह से कि जैसे कोई दिन मनाया जाए बाकायदा और बच्चों को स्कूल से ला के यहाँ पे उनको बताया जाए कि इस तरह से इसकी बात करनी है और ये चीजें जैसे सफाई सफाई के लिए बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि यहाँ पे आके एक दिन मनाया जाए। यहाँ पे ना स्कूलों को मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के स्कूल है प्राइवेट स्कूल है वो बच्चे यहाँ पर आए और उसके एक दिन मनाया जाए सफाई सफाई के बारे में अवेयरनेस। ये देखे भाई वहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हम आपसे इनका इंटरव्यू दिखाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बाबर। कहाँ से आए? मैं ये बच्चे हैं मैं आप क्या कहेंगे जो हमारे कौमी साथे हैं काफी लोग इनको तोड़ते हैं बच्चे फूल तोड़ते हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी हिफाजत करनी चाहिए हमें? नहीं हमें बिल्कुल इनकी हिफाजत करनी चाहिए जो इससे भी हमारा वतन को खूबसूरती मिलती है। ये बच्चों को स्कूल से छोटे लेवल पे तलीम नहीं चाहिए इनकी इनको तोड़ा ना जाए इनकी फालत की जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें इनसे देखते हुए मिलवाए जाए। ये उनको बिल्कुल अन्ना तलीम देना चाहिए बहुत शुक्रिया। आप भी इनकी फालत आपका नाम? आलमगीर। कहाँ से हैं? जना हम रहते न्यू एयरपोर्ट पर। कौन से काल गवर्नमेंट कलामार कॉलेज बागबान के पास। भैया आपसे पूछेंगे जो हमारे मुगलिया बादशाह ने बनाए थे कौमी सासे इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि काफी बच्चे इनको नुकसान पहुंचाते हैं फूल तोड़ते हैं गंदगी काफी ज्यादा डालते हैं इनकी जरा भी नहीं फायदा आप क्या कहेंगे इनके बारे में? एक तो ये है कि बच्चे इनकी जो बेस है ना वो गलत है जैसा घर में माहौल है वैसा इधर माहौल है और इधर की इंतजामिया भी जो है ना वो इतना खास नहीं है। दो सिक्योरिटी गार्ड इधर खड़े हैं बच्चे लड़ेंगे आपस में और चले जाएंगे वो गन डालेंगे एक दो ये बच्चे खाते पीते हैं फेंक देते हैं। बास्केट भी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं है एक ये है एक वो दूसरी जगह पर लगी होगी पानी का भी कोई इतना ज्यादा नहीं है। आते थे थोड़ी देर के लिए बकाया वो शाही किले में रहे ज्यादातर तो हमें ये भी उनकी एंजॉयमेंट की जगह एंजॉय की जगह थी शाम को इधर एंजॉय करते थे और फिर ये छोटे लेवल स्कूल लेवल से इसके बारे में तलीम होनी चाहिए होनी चाहिए बिल्कुल उनको आना चाहिए और एंजॉय करें यहाँ पर। बहुत शुक्रिया भाई। इंतजामिया ने लोगों को कुछ हदायत दी है जिनसे काफी कम अमल हो रहा है सिंगल नोशी माना है यहाँ पे ज्यादातर सारे सिंगल नोशी करते नजर आते हैं देव गतनों का ये जगह बनी हुई है यहाँ पे वो काफी आदमी जो आए रहते हैं देव गतन फूल तोड़ना नहरों में उतरना नहाना मना है और ये सब काम यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है कि वैसे हमारे ये कौमी साथी हैं इनकी हिफाजत करना काफी मुश्किल हो रही है। सिक्योरिटी वाले भी बेचारे क्या करें लोग ही नहीं मानते हम यहाँ पे अमल ही नहीं करते नागरिक इधर की सिक्योरिटी नहीं है कुछ इंतजाम नहीं है ये देखेंगे बेटे बाजरी नहीं होंगे पीछे और बहुत कुछ यहाँ पर काम होते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कुछ एहसास करें लोग ऐसा नहीं करना चाहिए बाइक से आने वाले लोग क्या सोचेंगे वैसे भी आमतौर पर सयाह लोग हमें निकासित कर जाते हैं अगर आप चलते ना वो इंग्लैंड वगैरह की साइड पे तो वो भाग ही जाते हैं पाकिस्तान ही आ गए वो समझते कि दहशत गर्द आ गए नहीं करना चाहिए नहीं ये मुल्क तबाह करने वाली बात है इससे हमारी हर चीज सफाई हो जाएगी हम इन सासों को हमें बचाना चाहिए। लोग यहाँ पर आते हैं जो लोगों को यहाँ पर फैमिली के साथ आना चाहिए लोग यहाँ पर आते हैं वैसे ही शुक्र मेरा ला दिया कि बच्ची बुच्ची बसा दी तो नहीं ऐसा करना चाहिए बहुत गलत बात है बहुत गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए यार ये ये स्टूडेंट को यहाँ पर आना चाहिए आमतौर पर ऐसे भाइयों को जो बहुत अच्छा बोलते हैं ये शाहजहां ने अपनी परियों के लिए शहजादियों के लिए बनाया था कि वो यहाँ पर आकर आपको चिरागा कर सकें ये वगैरह जला सकें पानी से इन्वायरमेंट कर सकें लेकिन आप इसका हाल देख सकते हैं देखें इसका हाल यहाँ पर ना तो कुछ पानी है ना कुछ शावर चाह रहा है ना ये सब चीज़ें हमारी आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे ये देखें ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर ये शावर वगैरह ये सब कुछ ये देखें ये सब कुछ बन पड़ा है गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ करें
तो इनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद इसके लिए इसलिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बर्बाद कर दिया हमारी चीजों को, गवर्नमेंट की हेल्प तो नहीं, लेकिन ये हमारे लोग ही ऐसे हैं जिससे जो से लगे हुए हैं इन चीजों को बर्बाद करने के लिए आगे आगे। ये देखिए सब कुछ मंदिर इलाका है, ये पानी पुनी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर स्टूडेंट और इन्वायरमेंट के लिए आ जाते हैं कि काम किया जाए यहाँ पर, कुछ कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ खेलने के लिए आते हैं, कुछ कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ कुछ होता है, दिल दिल खोता है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामिक रूल आना चाहिए, इस्लामिक रूल इसी वजह से आएगा कि हमारे हुक्मरान इस्लामिक रूल के मुताबिक चले। हमारे हुक्मरान तो गांडू हैं, वो लुटेरे हैं, चोर के बच्चे हैं, जो चोर के बच्चे होते हैं वो चोरी की सिखाएंगे अपने बच्चों को, वो इस्लामिक रूल नहीं सिखाएंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कितनी महंगाई हो रही है, महंगाई का रकम मतलब यही कहा आपने चोरी डाके पे तुला हुआ है, जो 5,000-6,000 का लेता है वो पिस्टल लेता है, कहता है गोली मार दूंगा, तो सबको जो दिया, ये आसम सरकारी चोर डाकू है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई मोबाइल पे कितना इसने लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, 100 रुपए का गाड़ी जरूर करते हैं, 40 रुपए करते हैं, मैं भी जाने की जाती इसी वजह से ये बस ये कहते हैं ना कि इनका तो कहते हैं कि सूर्य के सूर्य मिली है, तो इनका तो 10-12 साल का रोजा अभी खुला है, गिराना का ये गिराना हमारा अच्छा है, शिकायत की शायद है कि बहुत अच्छे हैं, ये जो है ना ये आ गए सही जीते जाने गिरानी, ये बड़ा गश्ती का बच्चा है, नाम देखते हैं जान देखते हैं। पूछेंगे जो मुगल बादशाहों ने ये हमारे इतने अच्छे खूबसूरत शासन बनवाए थे हमारे लिए, अपनी भी शहर है उन्होंने बनवाई थी, ये आपसे पूछेंगे ये बच्चे नुकसान बन जा रहे हैं, इनको बड़े भी नहीं है, इनको जरा भी नहीं अवेयरनेस है, फूल तोड़ते हैं, अब इसके बारे में जा रहे हैं कि इनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारी आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं वो इसे देखें।